मेरे तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये वाला फोन भाई, अगर आप ले रहे हो तो फिर मत लो भाई। तो देखो हम यूट्यूबर सोचते हैं कि भाई हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, हम कुछ भी डाल देंगे आप लोग देखबे करोगे। वैसे ही स्मार्टफोन ब्रांड भी सोचती है कि भाई हमारी तो मार्केट में पॉपुलैरिटी है, ब्रांड वैल्यू है, हम कुछ भी लॉन्च कर दे आप लोग लेबे करोगे। अब देखो रिसेंटली ओप्पो वाले ने ओप्पो F23 5G को इंडिया में लॉन्च करा है। अब ओप्पो की जो एप सीरीज होती है ये ऑफलाइन सेंट्रिक सीरीज होती है, ऑफलाइन वालों लोगों का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है भाई। 8GB की रैम दे दी है, एकदम भयंकर डिजाइन कर दिया है। अब ऑफलाइन में जो लोग फोन लेते हैं भाई वो लोग डिजाइन ही देखते हैं, रैम वगैरह देखते हैं और लेकर आ जाते हैं। अब ओप्पो वाले ने जो इस वाले फोन में रायता फैलाया है उसको समेटना बहुत मुश्किल है भाई। इसकी प्राइस 25,000 रुपया रख दी है और स्पेक्स जो डाली गई है इसमें एकदम 15-16,000 वाली। अब देखो मेरे से रहा नहीं गया इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं भाई, क्योंकि आप लोगों का पैसा भी बचाना काफी जरूरी है। ओप्पो वाले को लगता है ना कि भाई हम लोगों के घर पे पैसा का झाड़ लगा हुआ है, ऐसा हिलाते हैं पेड़ को और पैसा गिरता है। तो ऐसा नहीं है भैया, आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो अच्छी जगह लगाओ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी 10 ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। वैसे 10 नहीं भाई, ये तो प्रॉब्लम की दुकान ही है। चलो देख लेते हैं क्या है नहीं है। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो भाई। हो गया, हाँ वहाँ पे लाइक बटन है, नहीं हाँ वहाँ पे। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ हाईलाइट पॉइंट की जो कि ब्रांड चिकचिल्ला के हाईलाइट कर रही है। तो यहाँ पे भाई इस वाले फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रोस्कोप सेंसर भी देखने को मिलता है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि माइक्रोस्कोप सेंसर का आप लोग क्या करोगे भाई। हाँ मतलब कुछ टाइम तक खेलोगे उसके बाद भाई वैसा का वैसा रह जाएगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, तो कैमरा का सेटअप डिसेंट टाइप का है, लेकिन कैमरे में भी ये लोग कॉस्ट कटिंग कर दी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला फोन 5000 एमएच की बैटरी के साथ आता है, आपको 80 वोल्ट का चार्जर मिलता है बॉक्स में, लेकिन फोन सपोर्ट करता है 67 वोल्ट का चार्जर। चार्जिंग स्पीड बैटरी एमएच फोन में अच्छी दी गई है। और वहीं ये वाला फोन 8GB की रैम के साथ आता है और आपको 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और आपको 120 हर्ट्ज का दोस्तों रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। और वहीं ये वाला फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं। अब मैं अंदर की बात बताऊं ना आपको, तो देखो सबसे पहले तो भाई इस बार ओप्पो वाले ने इसका डिजाइन अच्छा नहीं करा है भाई। अब देखो डिजाइन भाई पर्सनल चॉइस है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बताना कमेंट करके, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह भाई फोन की अच्छी नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है और जनरली भाई इस प्राइस पॉइंट वाले स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिल ही जाता है। तो बिल्ड वगैरह को एक बार साइड ही कर देते हैं, उस पे हम उतना कोई ध्यान नहीं देंगे। लेकिन डिस्प्ले की बात करूं ना भाई, तो इस वाले फोन में आपको एक IPS डिस्प्ले लगी हुई मिलती है। मतलब भाई साहब एमुलेट डिस्प्ले नहीं है, 120 हर्ट्ज दिए है ये अच्छा की है, लेकिन एमुलेट डिस्प्ले क्यों नहीं दिए भाई, जबकि इस प्राइस पॉइंट में हो सकता था। अब ब्राइटनेस वगैरह भी देखोगे ना तो इसमें आपको 680 की ही देखने को मिलती है, जबकि इस प्राइस पॉइंट में आने वाले स्मार्टफोन में आपको 1000 निट्स की 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन वगैरह डिस्प्ले पे कौन सी है ये भी ब्रांड ने क्लियरली नहीं बताया है। अब देखो इस वाले फोन में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। देखो प्रोसेसर बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस वगैरह आपको अच्छी निकाल कर दे देगा, लेकिन आप जितना पे कर रहे हो ना उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं देगा। मतलब भाई प्रोसेसर की तो वैसे ही इतनी लिमिटेशन है ना भाई कि पूछो ही मत। ये वाला प्रोसेसर फुल HD वीडियो 60 FPS से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, YouTube पे आप भाई 4K वीडियो वगैरह वॉच नहीं कर सकते, और ये सब प्रोसेसर की लिमिटेशन है। और अभी के टाइम पे आपको 18,000 में 20,000 में Dimensity 920 जैसे प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। खैर यहाँ पे कैमरा वगैरह मैंने आपको बताया कि कैमरे में भी कॉस्ट कटिंग करे ये लोग। तो देखो भाई जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अच्छा है, लेकिन माइक्रोस्कोप डेप्थ लेंस वगैरह दिए है भाई, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं दिए है। 25,000 रुपया ले रहा है ये लोग, और 25,000 के प्राइस पॉइंट में ये सब भाई डिजर्व करता है ये वाला फोन। एंड इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिलता है, तो IPS डिस्प्ले तो ऑब्वियसली भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस वाले फोन की प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस वाले फोन में जो स्पेसिफिकेशन दी गई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई। मेरे को नहीं लगता है कि इस वाले फोन को ऑनलाइन कोई लेने से रहा, मतलब ऑनलाइन जो फोन लेगा वो तो सब कुछ देख के ही लेगा भाई, लेकिन ऑफलाइन में कई लोग इस वाले फोन को ले सकते हैं, तो भाई उनके लिए थोड़ा सा प्रे कर दो कि भाई उनका भी पैसा बच सके भाई। मेरे को लगता है इस वाले फोन की जो प्राइस है भाई 18,000 रुपया भी होती ना ओप्पो के ब्रांड वैल्यू के ऊपर तो फिर ठीक था ये वाला फोन, लेकिन भाई 25,000 रुपया समझ में आ रहा भाई, इतना पैसा ले रहे ये लोग और ऐसी स्पेसिफिकेशन देंगे तो कैसा चलेगा भाई। बाकी आप अपनी राय बताओ भाई कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन के बारे में। मेरे को जैसा लगा ये वाला फोन वैसा मैंने आपको बता दिया, मेरे तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये वाला फोन भाई, अगर आप ले रहे हो तो फिर मत लो भाई, इससे भी बेटर स्मार्टफोन मौजूद है मार्केट में। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।